डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक सेट प्रैक्टिस किया था, बीपीएससी का क्लोन सेट, जिसमें 30 क्वेश्चंस थे, जिसमें बिहार और इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस दिखे थे। ये कुल मिलाकर 150 क्वेश्चंस का सेट आएगा। आज शाम इसका दूसरा सेट आएगा, जिसमें करेंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चंस होंगे। हमने बिल्कुल बीपीएससी में जिस तरह का प्रोपोर्शन है हर सब्जेक्ट का, उसे इसमें मेंटेन किया है। तो कुल मिलाकर आपको इसमें 95 से 100 का स्कोर करना चाहिए। अगर इस रेंज में आप स्कोर्स करते हैं तो हम कहेंगे कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, क्योंकि ये पूरा सेट हूबहू बीपीएससी के पैटर्न पे है। तो इसे आप करें, शाम में आएगा दूसरा सेट, 30 क्वेश्चंस का ये भी होगा, लेकिन इस बार अच्छे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स और साइंस के दिखेंगे। अब बात आज के जो रूटीन हमारा है उसके लिए, 24 घंटे का। कल आपने गुप्तकाल पढ़ा, गुप्तकाल आपने कैसे क्या पढ़ा, 5 क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर इसमें 4 के आप जवाब दे पाते हैं तो हम कहेंगे कि आपकी तैयारी, आपने इसे अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से। और अगर 3 के भी आप जवाब दे पाते हैं तो हम कहेंगे कि 3 में भी आपने पढ़ा है, इसके आप जवाब दे सकते हैं अगर इससे प्रश्न आता तो। उससे कम में हम कहेंगे कि आपने तैयारी, इसे अच्छे से रिवाइज नहीं किया। 5 क्वेश्चन गुप्तकाल से इस तरह से। पहला क्वेश्चन है कि चांदी के सिक्के शकों पर अपने विजय के उपलक्ष में किस गुप्त शासक ने चलाए थे। चांदी के सिक्के शकों को पराजित करने की उपलक्ष में, इसका नाम आपको बताना है। अभी ही जवाब आपको मिल जाएंगे तो आप भी इसके जवाब सोच लें। दूसरा क्वेश्चन है कि गुप्त काल में दंडपाशिक किस प्रकार का अधिकारी था। तीसरा क्वेश्चन, गुप्त काल में नगद कर का नाम क्या था, जो कैश टैक्स लिया जाता था इसका नाम क्या था। और चौथा क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला साक्ष्य इस समय मिलता है, 510 ईस्वी का एरन अभिलेख, यह किस गुप्त शासक से संबंधित है। एरन अभिलेख किस गुप्त शासक के काल का महत्वपूर्ण अभिलेख है, जो सती प्रथा पर सबसे पहला साक्ष्य भारत में प्रस्तुत करता है। और पांचवा अंतिम क्वेश्चन, नचना कुठरा गुप्त काल में किस देवी या देवता के मंदिर थे। मध्य प्रदेश में नचना कुठरा ये गुप्तकालीन मंदिर है, ये किस देवी या देवता से संबंधित है। तो ये 5 क्वेश्चंस के जवाब आप सोच के हमें दें। इसके जवाब भी आपने सोच दिया होगा जवाब, अब हमारा जवाब इसका आप सुन लें, उस हिसाब से आपके 3 से 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसका पहला क्वेश्चन है, चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य ने चलाए। दूसरा है, दंडपाशिक पुलिस अधिकारी था गुप्त काल में। तीसरा, नगद हिरण्य नाम का जो कर होता था वो नगद में लिया जाता था गुप्त काल में। और चौथा, सती प्रथा का साक्ष्य भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है, 510 ईस्वी का भानुगुप्त का एरन अभिलेख। और पांचवा अंतिम जो क्वेश्चन है वो है, नचना कुठरा पार्वती का मंदिर था। तो अब आप काउंट कर लें कि क्या आप इसे जान रहे थे। इसे 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसके जानने चाहिए, या आपने बताया होगा। कुल मिलाकर आज का देखिए 24 घंटे का जो रूटीन है वो है, आपको आप करेंगे चोल और पल्लव। आज आपको हिस्ट्री में, एंशंट हिस्ट्री में हम आपको दे रहे हैं टॉपिक चोल और पल्लव, बहुत महत्वपूर्ण। दक्षिण भारत के ये दो वंश बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, आप प्राचीन इतिहास के बुक को आप खोलें, सबसे लास्ट में जो एंशंट हिस्ट्री है उसका लास्ट का ये पार्ट है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। चोल काल और पल्लव काल आपको करना है बहुत अच्छे से, क्वेश्चंस नहीं छूटे, इस तरह से आप करेंगे। हिस्ट्री में हम फोकस कर रहे हैं, चूँकि हिस्ट्री में क्वेश्चंस 35 से 40 होंगे। मॉडर्न इंडिया बहुत अच्छे से करना है, 1905 तक कल आपने किया, आज आप करेंगे 1905 से लेकर 1917 तक। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको करने हैं, हम आपको बता रहे हैं कि अब आपको ऑब्जेक्टिव्स मैक्सिमम करने हैं। आप पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा, आप पढ़ें, अगर आप अपनी स्टडी का इस तरह से आप पैटर्न रख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं डिटेल में तो आप करें, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स आपको बनाने हैं। हम आपको अब ऑब्जेक्टिव पे फोकस्ड होने के लिए कह रहे हैं।
मॉडर्न इंडिया में आप 1905 से लेकर यानी स्वदेशी आंदोलन समाप्त हो चुका है, उसके बाद से लेकर 1917 तक यानी मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद गरम दल का समय, किस तरह से गरम दल का कार्य रहा, उसके बाद मॉर्ले मिंटो सुधार आया, उसके बाद दिल्ली दरबार लगा, कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई 1917 में। इतना कुछ आपको करना है, छोटा छोटा टॉपिक आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है, आप लूसेंट में या क्रॉन में या घटना चक्र में जहां भी आपको मिलता है आप इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। ये दो हिस्ट्री से दो टॉपिक्स हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आप करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि डेली आपको टॉपिक्स दे रहे हैं, अगर आप इस तरह से अच्छे से कर लेते हैं ये भी इतना भी, तो दो क्वेश्चंस आपके आंसर्स डेली ऐड होंगे, दो क्वेश्चंस इन टॉपिक से आपके बन रहे हैं जो हम आपको दे रहे हैं। तो अगर इसे आप अच्छे से कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप दो क्वेश्चंस एग्जाम में आप सही करने जा रहे हैं आज के टॉपिक से, आप नोट डाउन कर लें, काउंट कर लें। दूसरा, साइंस से हम आपको दे रहे हैं आज केमिस्ट्री में रासायनिक नाम जो है उनके रासायनिक नाम आपको याद करना है, जैसे सिंदूर, जैसे पोटाश एलम, जैसे धोबिया सोडा, कास्टिक पोटाश, ये सब के केमिकल नेम है, उसे आपको याद करना चाहिए। फिर से आपको पहले भी दिया जा चुका था, फिर हम दे रहे हैं। और दूसरा, इसी के साथ मिश्र धातु एलॉय आपको करना है, तांबा, उसके बाद कांसा, पीतल, ये आप करें, यानी कि मिश्र धातु करना है और साथ में आपको केमिकल्स के नेम्स करने हैं। ये बुक्स में आप खोलेंगे आसानी से मिल जाएगा, कोई भेक नहीं है, बीच के पार्ट में आपको केमिस्ट्री में आपको लूसेंट के क्राउन में मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ आप करें अच्छे से, संगमरमर का केमिकल नेम तो ये आपको करना चाहिए, ये आप करें। और साइंस में एक और, साइंस में भी एक और बचा है, वो आप करेंगे परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी मोर और लेस आप करेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। रक्त ही परिसंचरण तंत्र में, तो रक्त ही पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन ही होता है, तो आप इसे ब्लड का सर्कुलेशन करेंगे, ब्लड की प्रॉपर्टीज करेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स करेंगे, ब्लड ग्रुप्स करेंगे, ये आप ऑब्जेक्टिव्स में कर लें बुक्स में। तो ये साइंस में हो गया। और अगेन करेंट अफेयर्स में आपको हम फिर से आज सितंबर महीने का करेंट छोड़ रहे हैं, ये आप फिर से करें। देखिए महीना में हम मंथ वाइज कर रहे हैं तो एकदम से भाग नहीं जाना है, पूरे मंथ का आप कर रहे हैं तो एक दिन और हम आपको दे रहे हैं सितंबर महीने का करंट अफेयर्स। अगर आप नेट से करेंगे तो जुलाई मंथ का करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैगजीन में सितंबर महीना, नेट में करेंगे तो जुलाई मंथ का आप नेट में सर्च करेंगे। तो ये आप कर लें करंट अफेयर्स में। तो आज का ये आपका रूटीन रहेगा, आप इसे कर लें, दो क्वेश्चंस आपके बढ़ गए। अगर इन तीन टॉपिक्स को आप अच्छे से कर लेते हैं जो आज आपको दिया जा रहा है तो आपके एग्जाम में दो क्वेश्चंस इससे आ रहे हैं, हमें ऐसा लगता है, तो दो क्वेश्चंस आपके बढ़ सकते हैं। और इस तरह से 15-17 दिनों में, 15 दिन भी अगर आप रख लें हटाकर बाकी दिनों को, तो 15-30 क्वेश्चंस आप बढ़ा सकते हैं इन 15 दिनों में। तो इस तरह से आप करें, पूरा रिवाइज करें अच्छे से, ऑब्जेक्टिव करेंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा, फैक्ट्स आएगा। और करंट अफेयर्स का एपिसोड शाम तक आपको नेक्स्ट एपिसोड आएगा, बहुत अच्छा एपिसोड आ रहा है, इसे भी आप बनाएं। तो यहीं पर आपसे विदा लेंगे, आप ये सब करें, बहुत हेल्पफुल यह होने वाला है। और आप अपने स्तर पे, आप टाइम काफ़ी दे रहे हैं तो जो बचे हुए टाइम है उसमें आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें, या एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं तो आप करें, लेकिन इतना जो हमने आपको दिया है ये आप ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में करें। अपना ध्यान रखें, लेबर करते रहें, इस 15 दिनों में अपना बेस्ट दे देना है। टेक केयर।